Now we are moving towards a very very critical part of online store. Online store हम क्यों ओपन करते हैं Basic question. आसान से लफ्ज़ों में कि I have some product and I want to sell it. या मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को identify किए, है अब मैं ये चाहता हूँ कि कम कीमत पर प्रोडक्ट को खरीद के महंगी कीमत पर बेचूँ और जो प्रॉफिट है वो मैं अर्न करूं सिंपल इसका मतलब प्रोडक्ट्स को बेचना है दिस इज़ द कोर कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हाउ यू पुट योर प्रोडक्ट ऑन योर ऑनलाइन स्टोर ये बहुत क्रिटिकल बात है देखें आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना और वो अच्छा प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पे होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं यानी आपके पास एक आपको ये पता है कि आपके पास लेट्स से मर्सडीजर लेकिन अब आपने लोगों को भी बताना है ऑनलाइन बताना है कि यू हैव अ गुड ब्रांड ऑफ मर्सडीज फॉर एग्जाम्पल आप अगर इफ यू आर अ क्लोथ मर्जेंट आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं एंड यू हैव अ हाई क्वालिटी क्लोथ आपके पास लेवाइस के कपड़े हैं या यू you नो know, बड़े ब्रांड्स के कपड़े हैं तो जब तक आप ऑनलाइन स्टोर पे ये बताएंगे नहीं उनकी वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि जो पैकेजिंग है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन यू you नो know, आपकी ई e कॉमर्स पे अगर पैकेजिंग अच्छी है तो देर इज अ मोर चांस कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा होगा तो सबसे क्रिटिकल चीज कि जो प्रोडक्ट का पेज है और प्रोडक्ट डिटेल पेज है इट हैज टू बी कंप्लीटेड यानी जो और ऑनलाइन है क्योंकि तो जो इमेजेस हैं खास तौर पे जो इमेजेस हैं ये ऑनलाइन स्टोर का बहुत फोकस होता है फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ क्लाइंट किसी वेबसाइट पर जाऊँ अगर और अगर मुझे इमेजेस सही तरीके से नहीं मिलेंगे मेरे प्रोडक्ट के जो मैं यू नो परचेज करना जा रहा हूँ सही तरीके से मुराद है हाई क्वालिटी और डिफरेंट जूम हो डिफरेंट देखें क्योंकि आपने जो चीज़ परचेज करनी है वो फिजिकली आपके सामने नहीं है आपके सामने सिर्फ इमेजेस हैं तो इमेजेस की अगर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है हाई क्वालिटी नहीं है मल्टीपल जूम नहीं अवेलेबल यानी मल्टीपल एंगल से पिक्चर को मैं देख ही सकता प्रोडक्ट की तो देर इज अ ब्राइट चांस कि आई वॉन्ट गो टू परचेज इट दैट्स वेरी क्रिटिकल थिंग सेकेंड क्योंकि मेरे सामने कोई फिजिकल चीज नहीं है तो आई हैव टू रिलाई अपॉन डिस्क्रिप्शन स्पेक्स भी बोलते हैं उसको जो उसकी प्राइस है वो एक्सप्रेसिटली बताएं एंड अदर क्रिटिकल थिंग कि मैं अगर फॉर एग्जांपल दस आईफोन खरीदना जा रहा हूं और जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ क्वांटिटी सही मौजूद नहीं है सही से मुराद है कि मैंने खरीदने हैं दस स्टॉक में है फॉर एग्जांपल आठ तो अगर मुझे आपका ऑनलाइन स्टोर दस क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करने देता है विदाउट चेकिंग कि उसके स्टॉक में कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं सो दिस विल बी वेरी अनोइंग टू मी एज अ कस्टमर क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वजह से डिले आएगा तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज के क्वालिटी क्वान्टिटी प्राइस एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये चार की चीजें हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट ओरटेड वे में ऑनलाइन स्टोर पर पब्लिश करने के लिए सो डोंट मिस दम आउट क्योंकि इसी की वजह से इन एट्रीब्यूट ही की वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी कस्टमर को मोटिवेट करेगा या नहीं मोटिवेट करेगा ये दो फैक्टर्स है सो so, अब हम ये करते हैं अब हम Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं एंड अस ट्राई टू सी के जो ये हमने प्रोडक्ट के कैटलॉग्स वगैरह डिस्कस किए हैं या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है हाउ अमेजोन इज़ डूइंग क्योंकि Amazon इज द वर्ल्ड बिगेस्ट ई कॉमर्स स्टोर सो लेट्स गो देयर सो स्टूडेंट्स नाउ अगर मैं Amazon की वेबसाइट पे जाऊँ एज यूज़र जाऊँ अब मैं अगर यानी एज अ यूजर से मुराद है मैं अब कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहा हूँ नाव लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम लुकिंग फॉर लेट सपोज इफ आई वर्च मोबाइल और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स ओपन हुए हैं लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें ज़रा सबसे पहली चीज देखें उन्होंने क्या हाईलाइट की हुआ है इन स्टॉक इन स्टॉक उन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है उसकी प्राइस क्लियरली लिखी हुई है जो प्रोडक्ट की डिटेल है ये वाली कि नोकिया सिक्स है थर्टी टू जी है अनलॉक जो भी है उसके बाद अब आप ये देखें ये इसके डिस्क्रिप्शन हैं सॉरी डिटेल्स हैं ये उन्हें क्लियरली लिखी हुई हैं दैट्स वन थिंग जो हमने डिस्कस की है अभी कि प्राइस भी है डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है स्टॉक में है या नहीं ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है दिस आइटम डज नॉट शिप टू पाकिस्तान यानी क्लियर इंफॉर्मेशन दी हुई है अब लेट सी द इमेज इमेजेस अब इमेजेस में उसने एक ये इमेज दी है ये वाला इमेज दे दिया ये वाला इमेज दे दिया, दिया यानी बैक का इमेज भी आ गया फ्रंट का भी आ गया साइड का भी आ गया और हेयर आई वॉज जस्ट थिंकिंग दिस लुक एट दिस अब इन्होंने यहां पे इसकी वीडियो भी डाल दी है दिस फीचर वॉज नॉट बिफोर आई मीन नॉट लॉन्ग अगो अब पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ वीडियो डाल दी है कि दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक सो so, अब एक तो इमेज हैं और फिर दूसरा वीडियो भी साथ डाल दिया सो so, कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को बताएंगे उतनी ही क्लाइंट आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा सकता है रीज़न आपके सामने ये मोबाइल फ़ोन नहीं पड़ा हुआ आपके सामने सिर्फ वो चीज़ पड़ी हुई है जो आप इस वेब पेज के ऊपर दिखा रहे हैं सो दिस इज वेरी क्रिटिकल कि आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सही तरीके से अपने क्लाइंट को बताएं ओवर योर शॉपिंग कार्ट